हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और ट्रांसडक्शन को पढ़ते हुए हमने जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था, और आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा, ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे अलग था, कि जब एक वायरस बैक्टीरिया में एंटर करता है, ओके, वायरस जब बैक्टीरिया में एंटर करता है, अब मैं इसको बताऊं कि एक वायरस बैक्टीरिया में एंटर किया, इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया और उसके बाद वहां से अगेन ये जो वायरस है वो दूसरे बैक्टीरिया के पास चला गया, ठीक। तो इस बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल उठा के इस बैक्टीरिया के पास ट्रांसफ़र कर दिया, ये होता है आपका प्रोसेस ट्रांसडक्शन का, ओके। द यहाँ पे क्या हुआ कि बैक्टीरियल डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाना एक वायरस के थ्रू, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसडक्शन। एक्चुअली अगर ये एक वर्ड का सिर्फ मतलब समझे ट्रांसड्यूसिंग का, तो इसका क्या मतलब होता है, टू कन्वर्ट समथिंग इन टू एन अनदर फॉर्म, टू कन्वर्ट समथिंग इन अदर फॉर्म, दैट इज ट्रांसड्यूसिंग, टू ट्रांसड्यूस समथिंग, तो किसी को एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन या ट्रांसड्यूस करना। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ते हैं कि जनरलाइज तो आपने पढ़ लिया था, जनरलाइज मेथड ट्रांसडक्शन का, स्पेशलाइज्ड के बारे में हम देखेंगे, और उसके पहले ट्रांसडक्शन को और अच्छे से आप समझ पाओ इसलिए लिए एक और चीज़ देखते हैं कि ट्रांसडक्शन जो है, ट्रांसडक्शन पूरा जो प्रोसेस है वो एक तरह से जब वायरल जीनोम की पैकेजिंग होती है, जो वायरल जीनोम है, अब इतना तो आपको पता होगा कि जो वायरस है उसको रेप्लिकेट करने के लिए एक लिविंग सेल के अंदर जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वायरस जब तक एक लिविंग एनवायरनमेंट में नहीं होता तब तक वो डेड रहता है और वो रेप्लिकेट या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो वायरस को एक लिविंग बॉडी में, लिविंग सेल में जाना ज़रूरी है रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए जब वायरस एक लिविंग बॉडी में जाएगा, वहाँ पे अपना डीएनए या अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंजेक्ट करेगा, इंजेक्ट करने के बाद वहाँ पे उसके जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होगा, और वहाँ से जब उस जेनेटिक मटेरियल को पैकेज करके वापस से साइटोन में या हेड में उस वायरस के भरा जाएगा, उस समय उस पैकेजिंग में जब कोई एरर आता है तब वहाँ पे होता है ट्रांसडक्शन, जब उस पैकेजिंग में कोई एरर आता है तब, अगर बैक्टीरियल सेल में है कोई वायरस तब। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ओके। अब हम देखते हैं इसके आगे कि वायरस जब रेप्लिकेट करता है तो उसके दो प्रोसेसेस होते हैं, जब वायरस का रेप्लिकेशन होता है ना तो वो दो पार्ट्स में रेप्लिकेट, दो टाइप से रेप्लिकेट कर सकता है, एक होती है लाइटिक साइकिल, एक होता है लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में जब रेप्लिकेशन होता है तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया एक, सॉरी वायरस जो है वो एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा, उसके अंदर अपना डीएनए, अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो उसको जाके वो छोड़ेगा, जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद वो जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा बहुत ज़्यादा, और रेप्लिकेट करने के कारण वायरस का ये फंक्शन होता है कि जो वो दूसरा जिस सेल में जाता है उसके फंक्शन को ओवरकम कर लेता है, उसके फंक्शन को एक तरह से हाईजैक कर लेता है, और हाईजैक कर लेता है मैकेनिज्म को, और अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ज़्यादा रेप्लिकेट करवाता है, उसके बाद पैकेज होके बाहर निकल जाता है, ओके। ये है पूरा फंक्शन। अब इसको हम अगर समझें तो ये इस तरह से हुआ कि लाइटिक साइकिल में यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल है, और इस बैक्टीरियल सेल पे उसका जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओके। बैक्टीरियल सेल है वहाँ पे, उसका जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे जो ट्रांसडक्शन है उसमें बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में जाने में कौन सा वायरस हेल्पफुल होता है, बैक्टीरियोफाज, फाज वायरस हेल्पफुल होता है। तो मान लो कि एक बैक्टीरियल सेल को एक फाज वायरस है उसने इन्फेक्ट किया, ओके, यहाँ पे उसका इन्फेक्ट किया, तो उस फाज वायरस का जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे,
ओके, और वो इन्फेक्ट करने के बाद वो जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, इसके अंदर आ गया। तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आया तो उसको अपन देखें, आगे अपन अगर चलेंगे तो यहाँ पे हम देखें दूसरा सेल, वही सेल है बैक्टीरियल सेल, आगे का प्रोसेस हम देखें। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का वो इसके अंदर आ गया, ये जेनेटिक मटेरियल वायरस का इस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। ओके, अब वायरस का जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं, यहाँ पे ये बैक्टीरियोफाज है पर जेनेटिक मटेरियल अंदर गया तो बैक्टीरियोफाज यहीं पे। इसके बाद क्या होगा, जब एक जगह से दूसरी जगह जब यहाँ पे इन्फेक्ट कर दिया गया, इन्फेक्ट सेल को कर दिया गया, अब इन्फेक्ट करने के बाद यहाँ रेप्लिकेट करवाना है, यहाँ रेप्लिकेट करवाना है ना, तो नेक्स्ट आगे का प्रोसेस हम देखें। अब जब रेप्लिकेट करवाना है अपने को तो सबसे पहले तो ये वायरस जो है वो इस बैक्टीरियल सेल का या बैक्टीरियल जीनोम का ब्रेकडाउन करेगा, इसको सीज करेगा, हाईजैक करेगा और इस बैक्टीरियल जीनोम को ब्रेकडाउन करेगा। ब्रेकडाउन कर देगा तो यहाँ पे बैक्टीरियल जीनोम भी प्रेजेंट रहेगा और वायरल जीनोम जो आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर आया वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा और रेप्लिकेट करके बहुत सारे वायरल जीनोम बना लेगा सेल के अंदर। ओके, तो बहुत सारे वायरल जीनोम बना लिए इसने सेल के अंदर। अब इसके बाद यहाँ तक का प्रोसेस लाइटिक साइकिल कि एक वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाला, फिर उसके सिस्टम को, बैक्टीरिया के सिस्टम को हाईजैक करके अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करवाया। अब इस सेल का लाइसिस होगा, मतलब सेल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब जो है वो एक तरह से सेल का लाइसिस होगा, मान लो कि यहाँ से सेल जो है ये टूट गया, यहाँ से सेल का लाइसिस हो गया और सेल के लाइसिस होने के बाद क्या होगा, जो नए बैक्टीरियोफाज बनेंगे, नए बैक्टीरियोफाज वो इस सेल को तो किल कर देंगे और अपने नए जो इस सेल को किल करेंगे और इस सेल को करने के बाद खुद रिप्रोड्यूस होके अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ बाहर निकल जाएंगे और आउट हो जाएंगे और इनका क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब ये डिवाइड कर जाएंगे और इनका मकसद पूरा हो जाएगा। इन्होंने इन्फेक्ट किया एक बैक्टीरियल सेल को, ये एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है। ओके, नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियोफाज हो गया। बैक्टीरियोफाज ने क्या किया, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाला, जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट किया, बैक्टीरियल सेल के पूरे सिस्टम को हाईजैक करके अपना बैक्टीरियल, अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट किया और फिर जब अपना जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह से रेप्लिकेट हो गया तो न्यू वायरसेस जो बने वो सेल को लाइसिस करके, सेल को ब्रेक डाउन करके बाहर निकल गए। ओके, ये हो गया प्रोसेस लाइटिक साइकिल का। ओके, लाइटिक साइकिल का प्रोसेस तो समझ में आया। अब इसके बाद अपन देखते हैं लाइसोजेनिक साइकिल, इसके बाद अपन क्या देखते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। नेक्स्ट लाइटिक साइकिल के बाद आता है आपका लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में देखते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल में भी सेम एक बैक्टीरियल सेल आपको दिखाई देगा। लाइसोजेनिक साइकिल की अगर बात करें तो यहाँ भी एक बैक्टीरियल सेल होगा, उसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, यहाँ पे एक वायरस आके उस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ, ये उसका जेनेटिक मटेरियल वायरस का। नेक्स्ट स्टेप भी सेम रहेगा इन्फेक्ट करने का, नेक्स्ट स्टेप भी सेम अपन बनाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर आ गया, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हुआ अंदर आ गया, वायरस का इंसर्ट कर दिया वायरस ने जेनेटिक मटेरियल। तो ये दो प्रोसेस तो सेम हो गए। उसके बाद लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल का सबसे मेन डिफरेंस यहाँ पे थर्ड स्टेप में आपको नज़र आएगा कि ये जो डीएनए है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे वायरस का, यहाँ पे क्या हो रहा था, इसने क्या किया था, पूरे के पूरे बैक्टीरियल सेल के मैकेनिज्म को हाईजैक किया
और अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रिप्रोड्यूस करवा लिया और फिर सेल का लाइसिस किया, सेल को ब्रेक डाउन करके चला गया। पर यहाँ पे क्या होगा लाइसोजेनिक साइकिल के केस में, लाइसोजेनिक साइकिल के केस में ये होगा कि एक बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे वायरस ने इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद अपना जो जेनेटिक मटेरियल था वो अंदर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उस वायरस का वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो है इंटीग्रेशन, मतलब मिक्स हो जाना, ये जुड़ जाएगा बैक्टीरियल डीएनए के साथ, वायरल जीनोम जुड़ जाएगा, वायरल जीन जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं लाइसोजेनिक साइकिल में, यहाँ पे तो बैक्टीरिया सेल को लाइसिस करके निकल जाता है, पर यहाँ पे जब वायरल जो जीनोम है वो जुड़ गया बैक्टीरियल डीएनए के साथ, तब यहाँ पे जब इस सेल का डिवीज़न होगा, जब यहाँ पे सेल का डिवीज़न होगा तो हमें दो सेल मिलेंगे जिनमें बैक्टीरियल और वायरल डीएनए दोनों का प्रेजेंस होगा, बैक्टीरियल और वायरल डीएनए दोनों का प्रेजेंस होगा। हमें जो डीएनए मिलेंगे या हमें जो जेनेटिक मटेरियल मिलेगा उसमें बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल की भी प्रेजेंस होगी और वायरल जेनेटिक मटेरियल की भी प्रेजेंस होगी। ओके, तो ये तो समझ में आया कि लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या डिफरेंस होता है। लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि वायरस सिंपल आता है अंदर, अंदर आने के बाद सेल को हाईजैक करता है, बैक्टीरियल सेल को, अपने आप को रेप्लिकेट कराता है जेनेटिक मटेरियल को और बाहर चला जाता है। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, इन्फेक्ट करता है वायरस, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डालता है और जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद फिर रेप्लिकेट होता है जब सेल, सेल डिवीज़न होता है, तो सेल डिवीज़न के बाद जो दोनों प्रोडक्ट निकलते हैं सेल डिवीज़न के बाद, उन दोनों डॉटर सेल्स में आपको दो टाइप के जो जेनेटिक मटेरियल है वो मिलेंगे। ओके, अब यहाँ से हम देखते हैं आगे, इसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस कि जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है। अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं अपने ट्रांसडक्शन पे। ये तो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिलों के डिफरेंस पता चल गया, यहाँ पे दोनों जो जेनेटिक मटेरियल उनका इंटीग्रेशन हो जाता है, फ्यूज़ हो जाते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपली अपना रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होने के बाद जो वायरस है, न्यूली फॉर्म्ड वायरस है, वो बाहर चले जाते हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे जब दो डीएनए हैं, यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के डीएनए हैं, वो एक टाइम के बाद ये जो वायरल डीएनए है वो एक्टिव होगा और एक्सीजन के साथ, मतलब एक्सीजन करने का मतलब डिफरेंट होगा, अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद ये क्या करेगा, अलग होने के बाद क्या करेगा, जब ये अलग होगा तो फिर ये दो तरह का फॉर्म होगा। अब यहाँ पे देखो, ये वायरल डीएनए यहाँ पे है, ये वायरल डीएनए यहाँ पे है, एक टाइम के बाद जब ये एक्टिव होगा तो अलग हो जाएगा, ये जो यहाँ पे इसका आपका जो फ्रैगमेंट है डीएनए का, आपका जो फ्रैगमेंट है जेनेटिक मटेरियल का, वो अलग होके अपना वायरल डीएनए वो अलग कर लेगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब मैंने एक चीज़ पहले ही बताई थी ट्रांसडक्शन में कि ट्रांसडक्शन क्या होता है, जब वायरल जीनोम की पैकेजिंग में कोई एरर आ जाता है, किसी भी टाइप का एरर आ जाता है उसको अपन बोलते हैं, किसी भी टाइप का जब एरर आ जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे ट्रांसडक्शन। अब एरर किस तरह से आएगा उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, एरर किस तरह से आएगा। अब जब एरर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब लाइटिक साइकिल में जब इन्फेक्ट होता है बैक्टीरिया, वहाँ पे जब बैक्टीरियल पैकेजिंग जो होती है, वायरल पैकेजिंग जो होती है, यहाँ पे आपने देखा कि वायरस की पैकेजिंग हुई। ओके, वायरस की पैकेजिंग में डीएनए किसका है, जेनेटिक मटेरियल किसका है, वायरस का, ये रेड वाला वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, तो वायरस का सिर्फ जेनेटिक मटेरियल पैक हुआ तब तक सही है। पर अगर यहाँ पे किसी वायरस में गलती से बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल आ गया, किसी वायरस में गलती से बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल जो ब्लैक वाला है, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल आ गया, यही जो एरर है ये आपको ट्रांसडक्शन कहलाता है।
अगर यहाँ पे गलती से बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल आ गया किसी वायरस में तो ये ट्रांसडक्शन कहलाता है, और ये जनरलाइज्ड टाइप का ट्रांसडक्शन ही है। मैं आगे और बताऊँगा क्यों जनरलाइज्ड कहा जा रहा है। तो जनरलाइज टाइप का ट्रांसडक्शन, गलती से बैक्टीरियल डीएनए आ गया यहाँ पे। अब ये जो बैक्टीरिया, ये जो वायरस है बैक्टीरियल डीएनए के साथ, ये जब दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो दूसरे बैक्टीरिया में क्या होगा, मान लो कि यहाँ से एक बैक्टीरिया है, वहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए है ऑलरेडी मौजूद, और यहाँ पे ये वायरस ये डीएनए ले जाके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है, तो क्या होगा? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि दो तीन तरह के केस हो सकते हैं। अगर सेम टाइप का होगा तो फिर ये इससे इंटीग्रेट कर जाएगा और साथ में रहेगा, या फिर प्लाज्मिड के रूप में रह सकता है, और अगर डिफरेंट टाइप का होगा तो न्यूक्लियस की एक्टिविटी होगी, न्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी होगी, और ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक, सेम टाइप का अगर बैक्टीरियल डीएनए ही डालते हैं तो, और ये जनरलाइज्ड मेथड था। जनरलाइज्ड मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वायरल जो बैक्टीरियल डीएनए है वो किसी भी फ्रैगमेंट से कट करके जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कहीं से भी जाएगा। बैक्टीरियल डीएनए कहीं से भी कट होगा और वो चला जाएगा, कोई भी बैक्टीरियल डीएनए का फ्रैगमेंट हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कौन सा पता है कि कौन सा जीन है किस बैक्टीरियल डीएनए में। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप के दिख रहे हैं आपके बैक्टीरियल डीएनए, तो इतने टाइप के जो बैक्टीरियल डीएनए है उसमें से कोई भी फ्रैगमेंट हो सकता है, उस फ्रैगमेंट में कोई भी जीन हो सकती है, कोई भी सीक्वेंसिंग हो सकती है। तो ये किसी भी टाइप के सीक्वेंस को प्रॉपर्ली एग्जामिन करके नहीं लेके जाता। कोई भी बैक्टीरियल डीएनए गलती से अगर पैकेज हो जाता है वायरस के अंदर, तब और वो वायरस जाके किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो इस टाइप का जो ट्रांसफर होता है, चूंकि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में गलती से ट्रांसफर हो गया, दैट इज नोन एज ट्रांसडक्शन इन जनरलाइज्ड मेथड। अब हम देखते हैं प्रॉपर स्पेशलाइज्ड मेथड जो है ट्रांसडक्शन का, हम स्पेशलाइज्ड मेथड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ओके, इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा समझ में आ गया। जनरलाइज्ड मेथड तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ओके, स्पेशलाइज्ड मेथड थोड़ा सा हम देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो लाइसोजेनिक साइकिल है, वो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या हुआ कि एक लास्ट में जो आपके डॉटर सेल आए उसमें क्या हुआ, वायरल जेनेटिक मटेरियल और बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल दोनों फ्यूज़ हो गए, दोनों इंटीग्रेट हो गए। ओके, अब जब दोनों इंटीग्रेट हो गए उसके बाद मैंने बोला कि एक्सीजन होता है, एक्सीजन मतलब अलग होना। तो जब इम्प्रॉपर टाइप का एक्सीजन होगा, इम्प्रॉपर एक्सीजन मतलब कटिंग होगी पर गलत तरीके से कटिंग होगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो अब नया जो डीएनए आपका बनेगा तो वो जो कटिंग होगी वो किस टाइप की कटिंग होगी, इस टाइप की कटिंग होगी। अब आपको दिख रहा होगा इसमें क्या डिफरेंस है, वो अब तो एक तो हो चुका है जनरलाइज्ड और लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, जहाँ पे दोनों जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट थे, वायरस के भी रेड वाला, बैक्टीरिया के भी ब्लैक वाला, ये दोनों एक्साइज किए मतलब कट हुए, बीच में से कटिंग पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये कट हो गए। ठीक है, यहाँ कट होने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन में जो आपका बैक्टीरिया में डिवाइड होकर जो अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा, वो जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा वो कुछ ऐसा होगा। जहाँ पे बैक्टीरियल और वायरल जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों मिक्स मिलेंगे आपको, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल और वायरल जेनेटिक मटेरियल मिक्स होंगे। और जब इस सेल का, क्योंकि अब यहाँ पे रेप्लिकेशन हो गया, एक्सीजन कब होगा, जब वायरल जेनेटिक मटेरियल एक्टिव होगा, एक्टिव होने के बाद जब यहाँ पे ये एक्टिव हो गए, इन्होंने कट हो गया बीच में, कट होने के बाद जो दो डीएनए बने वहाँ दोनों के पास क्या है, दोनों के पास वायरल और बैक्टीरियल दोनों जेनेटिक मटेरियल है। अब उसके बाद, अब आपको पता है जब वायरल जेनेटिक मटेरियल एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, पूरे सेल के फंक्शन को हाईजैक कर लेगा, जैसे यहाँ था सेम यहाँ पे। अब ये एक्टिव हो गया सेल के पूरे के सेल के मैकेनिज्म को हाईजैक कर लेगा, हाईजैक करने के बाद क्या करता है, पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का जो ब्रेकडाउन होगा वो किस टाइप का होगा,
यहाँ पे तो जेनेटिक मटेरियल ब्रेकडाउन हो गया वायरस और ये अलग, पर जहाँ पे वायरल डीएनए की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे क्या होगा कि जो वायरल डीएनए है वह वायरल जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ ही साथ आपको बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल का भी कंटेंट मिलेगा, वायरल और बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल मिक्स मिलेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब इसकी पैकेजिंग होगी, इस पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल की जब पैकेजिंग होगी तो यहाँ पे जो बैक्टीरियोफाजेस आएंगे, यहाँ जो बैक्टीरियोफाजेस बनेंगे उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, वायरस और बैक्टीरिया दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिक्स होगा। यहाँ पे वायरस और बैक्टीरिया दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिक्स होगा इस बैक्टीरियोफाज के अंदर, और फिर जब ये बैक्टीरियोफाज किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने जाएगा, क्योंकि बैक्टीरियोफाज है तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने जाएगा। ये एक सेल है जहाँ पर बैक्टीरियल डीएनए है, वहाँ पर ये बैक्टीरियोफाज बैठा, इसने अपना जो जेनेटिक मटेरियल था जिसमें वायरल और बैक्टीरियल डीएनए दोनों मिक्स था, वहाँ पे ये और ये मिक्स था ऑलरेडी, और ये थर्ड टाइप का बैक्टीरिया, इसको मुझे थोड़ा सा डिफरेंट बना दो, ये वाला जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है वो जो है मैं ब्लू से ड्रॉ कर देता हूँ, ये जेनेटिक मटेरियल। तो अब यहाँ पे जब ये जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे जब ये जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया जाएगा तो क्या होगा, जब इन दोनों का फ्यूज़न होगा लाइसोजेनिक साइकिल में, जब इन दोनों का फ्यूज़न होगा लाइसोजेनिक साइकिल में, उसके बाद ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, उसके बाद जो ये जेनेटिक मटेरियल का प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पे जो रेसिपिएंट है वो तो रहेगा ही, और रेसिपिएंट के साथ साथ एक वायरल डीएनए का भी पोर्शन रहेगा, और वायरल के साथ साथ एक अदर बैक्टीरिया का डीएनए का भी पोर्शन रहेगा। तो दोनों में आप देख रहे हो कि चाहे वो यहाँ पे हो जहाँ पे बैक्टीरिया वायरस में आ रहा है और उसके थ्रू वो दूसरे बैक्टीरिया पे जाएगा, और यहाँ भी देख रहे हो कि वायरस में एक पैकेजिंग में दिक्कत आई जिस कारण से एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ। ये स्पेशलाइज्ड टाइप का ट्रांसडक्शन है, और ये स्पेशलाइज्ड क्यों कहलाता है, क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान देना कि जब भी कट होगा, जब स्पेशलाइज्ड टाइप की बात करेंगे तो जब भी कट होगा तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन पॉइंट है या जो इंटीग्रेट हो रहा है, पर ये जो एक्सीजन पॉइंट है, बेसिक एक्सीजन पॉइंट है डीएनए का, बस वो वहीं से कट होगा। मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो जो फाइनल एक्सीजन पॉइंट है वहीं से ये डीएनए कट होगा, और यहाँ से डीएनए कट होके बैक्टीरिया वायरस में पैकेजिंग होगी, और वायरस में चूंकि पैकेजिंग जो हुई है वो एक गलती से हुई है, वो एक तरह से एक एरर है, तो बैक्टीरिया जब वायरस में किसी भी टाइप का पैकेजिंग में एरर होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अब वो जनरल टाइप का एरर हो या स्पेशलाइज टाइप का एरर हो, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में डिफरेंस चल गया। तो ये था आपका बेसिक जो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन था वो, और बेसिक पूरा ट्रांसडक्शन प्रोसीजर ऐसा ही है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। सो ये वीडियो अगर पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।